नक्सलियों की कार्यप्रणाली से त्रस्त छह नक्सलियों ने गढ़चिरौली पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। इनमें चार महिला व दो पुरुष नक्सलियों का समावेश है। सभी पर करीब 32.5 लाख रुपए का इनाम था। राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई आत्मसमर्पण योजना के कारण बड़े पैमाने में नक्सली दलम छोड़कर विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में कंपनी क्रमांक 4 के DVC गोकुल उर्फ संजू सन्नू मडावी, रतन उर्फ मुन्ना भिकारी कुंजामी, सरिता उर्फ मुक्ति मासा कल्लो, शैला उर्फ राजे मंगलू हिंडो, जरीना उर्फ शांति दानू होयामी व मीना धुरवा का समावेश है। यह जानकारी पुलिस अधीक्षक शैलेश बलकौड़े ने पत्र परिषद में दी। इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक अजय कुमार बंसल, अपर पुलिस अधीक्षक मनीष कलवानिया उपस्थित थे। आत्मसमर्पित नक्सलियों ने बताया कि दलम में कार्य करते समय महिलाओं पर अत्याचार किया जाता है। दलम के नक्सली गांव में जाकर नाबालिग आदिवासी लड़कियों को भगाकर जबरन दलम में शामिल करते हैं, इसलिए वरिष्ठों की कार्यप्रणाली से विश्वास उड़ गया था। जिले के दुर्गम व अति दुर्गम क्षेत्र के विकास कार्यों में नक्सलियों की ओर से रुकावटें निर्माण की जा रही थी। इससे त्रस्त होकर उन्होंने आत्मसमर्पण योजना के माध्यम से इन नक्सलियों ने गढ़चिरौली पुलिस के समक्ष समर्पण कर मुख्य प्रभाव में आने की राह चुनी है। इन नक्सलियों का पुलिस अधीक्षक शैलेश बलकौड़े ने पुष्प गुच्छ व दुपट्टा देकर स्वागत किया। आत्मसमर्पण योजना के माध्यम से मुख्य प्रवाह में शामिल होने वाले नक्सलियों को पुलिस दल की ओर से जमीन, आर्थिक मदद, रोजगार के मौके, नसबंदी रिओपनिंग जैसे योजना चलाई है। Oh, yeah.